हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आपको मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कल हमने बेसिक स्टडी किया था यहाँ पे, आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी फॉर द फॉलोइंग ए पी। निम्नलिखित समांतर श्रेणी, यानी ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ए पी का, यानी ये शॉर्ट में लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ए पी। निम्नलिखित जो समांतर श्रेणी अर्थात ए पी है, इनके लिए ठीक है, प्रथम पद ए और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर डी हमें ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया 6, 9, 12, 15 है, ये डैश डैश, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए ये तो आपको दिया है कि ये जो भी यहाँ पे दिए गए हैं सीक्वेंस, ये सब क्या है, एपी है। क्या दिए हैं? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो द गिवन एपी आर, देखिए एपी आपको क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, 6, 9, 12, 15, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 का एपी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है। इसका फर्स्ट टर्म है ठीक है, जिसको किससे डिनोटेड किया, यहाँ भी ए से लिया है, जो कि आपको फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म ए इक्वल क्या आएगा आपके पास बताइए, यहां से फर्स्ट टर्म क्या है इसका, 6 एंड कॉमन डिफरेंस है 2 इक्वल है। देखिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, पीछे कल मैंने बेसिक में आपको बताया था कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा ठीक है, यानी सक्सेडिंग टर्म में से हम प्रसीडिंग टर्म है ठीक है को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा उनका, कॉमन डिफरेंस। हाँ देखिए हमें 9 में से 6 अर्थात इनको अगर ये A1 है और ये क्या होगा A2, तो क्या आएगा अपने पास A2 - A1 है, और यहाँ से फाइंड करेंगे हम 9 - 6 इक्वल आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा 3। तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म A है जो तो आ रहा 6 और कॉमन डिफरेंस डी क्या आया 3, इसलिए A इक्वल आपके पास 6 और डी इक्वल आपके पास आएगा यहाँ से 3, ये इसके आंसर होंगे। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां से सेकंड क्वेश्चन है जो एपी आपको क्या है -7, -9, -11, -13, ये हमारे पास एपी है यहाँ पे, द गिवन एपी -7, -9, -11, -13 है। यहां भी देखिए फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो ये होगा -7 होगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो A2 क्या होगा -9 और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें -7, तो -7 को आप ब्रैकेट्स में लोगे क्योंकि बाहर क्या है माइनस का साइन है, तो इसको ब्रैकेट्स में लेना होगा -9 जैसे ही इस ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो -- मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 7। अब देखिए माइनस का 9 प्लस का 7 है तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएं क्या आएगा 2। अब देखिए यहाँ बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो यहाँ जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन किसका आ जाएगा माइनस, तो यानी -2 आ गया इसका, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2 और फर्स्ट टर्म क्या है -7। तो यहाँ पर आप दिखाओगे ए इक्वल -7 और डी इक्वल -2। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको दिया फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3/2, -1/2, -1/2, -3/2 द गिवन एपी आर 3/2, -1/2, -1/2, -3/2। यहाँ फर्स्ट टर्म ए क्या होगा देखिए इस एपी का 3/2, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वही आप करोगे A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो A2 क्या है यहाँ पे 1/2,
मीन्स क्या सब्ट्रैक्ट करना आपको, 3/2 एलसीएम दिया है यहाँ पे, क्या आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 और 1 को 3 से किया 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, माइनस 2/2 इक्वल क्या आ जाएगा माइनस 1। तो यहाँ आपके पास जो आएंगे ए और डी वो क्या आएंगे, फर्स्ट टर्म ए इक्वल क्या 3/2 और कॉमन डिफरेंस है डी इक्वल क्या आएगा आपके पास है माइनस 1 है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन है 3 तक तो मैंने करवा दिया, फोर्थ है फिफ्थ सिक्स सेवन की आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ ए पी इज गिवन दैट फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ दैट प्रोग्रेशन, यदि प्रथम पद ए और सारो अंतर डी, यानी आपको यहाँ पे जो समांतर श्रेणी ए पी है उसका प्रथम पद ए और कॉमन डिफरेंस जो सारो अंतर डी ओ दिया गया है, तो हमें इस ए पी जो यहाँ ए पी आई की रिक्वायर्ड ए पी होगी उसके फर्स्ट फोर टर्म यानी प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको ए इक्वल यानी फर्स्ट टर्म माइनस 1 और डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या दिया 1/2। सॉल्यूशन देखिए इसका, वी हैव ए इक्वल है माइनस 1 एंड डी इक्वल है 1/2, यह हमें दिया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करेंगे इस रेपी के, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड एपी आर, देखिए फर्स्ट टर्म जिसको हम क्या लेंगे ए वन है, क्या मान लेते हैं ए वन, ए वन है को ए से डिनोटेड किया जाता है, यानी फर्स्ट टर्म है इसको ए वन है इक्वल क्या आ जाएगा ए इक्वल क्या आ गया माइनस 1 हो गया फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को ए वन या ए से दोनों से ही डिनोटेड किया जाता है। तो हमने ए वन लिया फर्स्ट टर्म और ये ए के इक्वल आएगा जो क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब लेंगे ए टू सेकेंड टर्म जिसको ए टू से डिनोटेड किया जाता है और ए टू इक्वल क्या होता है ए वन प्लस डी, ए वन हमारे पास क्या है माइनस 1 प्लस डी हमारे पास क्या है 1/2, यहाँ इनका एलसीएम लिया हमने, इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या कर देंगे हम 1 करेंगे, ठीक है एलसीएम क्या आ गया 2, 2 को 1 से किया डिवाइड है तो क्या आएगा 2, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, यहाँ देखिए माइनस 2 है और प्लस का क्या है 1, सब्ट्रैक होंगे दोनों, ठीक है तो क्या आ जाएगा सब्ट्रैक होने में माइनस 1 और नीचे क्या है 2, तो ये आ गया माइनस 1/2, ये सेकेंड टर्म आ गया। फिर हम निकालेंगे ए थ्री, ए थ्री हमारे पास क्या आएगा ए टू प्लस डी, ए टू हमारे पास क्या रहा माइनस 1/2 प्लस डिफरेंस क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1/2, इनका एलसीएम दिया तो 2 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0/2 इक्वल क्या आ गया 0। अब फाइंड करेंगे हम यहाँ पे ए फोर, फोर टर्म फाइंड करेंगे, ए फोर इक्वल देखिए हमारे पास ए थ्री प्लस डी, ए थ्री हमारे पास क्या आ रहा है 0 प्लस डी क्या है 1/2 और इनको ऐड करेंगे 0 और 1/2 को ऐड किया जाएगा क्या आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से हमारे पास ये ए वन इक्वल आ गया माइनस 1, फिर क्या आया ए टू इक्वल माइनस 1/2 और ए थ्री इक्वल 0 और ए फोर इक्वल 1/2, ये हमारे पास फोर टर्म्स आ गए इस एपी के। इसलिए द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी
आर माइनस वन कोमा माइनस वन अपॉन टू कोमा जीरो कोमा वन अपॉन टू, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन है टू का फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, इसके अंदर आपको क्या दिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ए इक्वल है वन अपॉन थ्री और डी इक्वल है फोर अपॉन थ्री। सॉल्यूशन देखिए इसका, वी हैव ए इक्वल है वन अपॉन थ्री एंड डी इक्वल है फोर अपॉन थ्री। फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करेंगे, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड ए पी आर। जिस तरीके के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड किए उसी तरीके के क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म ए वन इक्वल ए इक्वल क्या दिया हुआ हमें वन अपॉन थ्री। सेकेंड टर्म ए टू इक्वल ए वन प्लस डी। ए वन हमारे पास क्या है वन अपॉन थ्री प्लस डी हमारे पास क्या है फोर अपॉन थ्री। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास थ्री, थ्री को थ्री से डिवाइड किया वन, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन प्लस, तो प्लस आ गया। थ्री को थ्री से डिवाइड किया वन, वन को फोर से मल्टीप्लाई किया फोर। ऐड करेंगे वन और फोर को ऐड किया तो फाइव अपॉन थ्री। ए थ्री यानी थर्ड टर्म फाइंड करें हम, ए थ्री इक्वल क्या आ जाएगा ए टू प्लस डी। ए टू हमारे पास क्या है फाइव अपॉन थ्री प्लस डी हमें क्या दिया हुआ फोर अपॉन थ्री। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री, थ्री को थ्री से डिवाइड किया वन, वन को फाइव से मल्टीप्लाई किया फाइव प्लस थ्री को थ्री से डिवाइड किया वन है, वन को फोर से क्या मल्टीप्लाई तो फोर। ऐड करेंगे नाइन अपॉन थ्री, इसको नाइन अपॉन थ्री रखना चाहो तो नाइन अपॉन थ्री रख सकते हो, अन्यथा अगर आप थ्री से डिवाइड कर लो तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे थ्री आ जाएगा। नाइन और थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री। फोर्थ टर्म यहाँ पे ए फोर इक्वल है ए थ्री प्लस डी। ए थ्री हमारे पास क्या रहा थ्री प्लस डी हमारे पास क्या है फोर अपॉन थ्री। यहाँ डिनोमिनेटर क्या कर लेंगे इसके नीचे अपन लेंगे वन, एलसीएम लिया वन और थ्री का थ्री, थ्री को वन से डिवाइड किया थ्री, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया नाइन, थ्री को थ्री से डिवाइड किया वन, वन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर, नाइन और फोर को ऐड करेंगे थर्टीन अपॉन थ्री। तो इस प्रकार से ये इसके थ्री टर्म्स आ गए, फर्स्ट टर्म वन अपॉन थ्री, सेकेंड फाइव अपॉन थ्री, थर्ड हमारे पास थ्री और फोर्थ हमारे पास थर्टीन अपॉन थ्री। इसलिए द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ ए पी आर वन अपॉन थ्री कोमा फाइव अपॉन थ्री कोमा थ्री कोमा थर्टीन अपॉन थ्री, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ए इक्वल जीरो पॉइंट सिक्स है और डी इक्वल वन पॉइंट वन है, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर फोर, ए इक्वल फोर डी इक्वल माइनस थ्री, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव है ए इक्वल इलेवन और डी इक्वल माइनस फोर, ये भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स ए इक्वल माइनस वन पॉइंट टू फाइव है और डी इक्वल माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, ए इक्वल माइनस वन पॉइंट टू फाइव है और डी इक्वल है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव। सॉल्यूशन देखिए इसका, वी हैव ए इक्वल है वन पॉइंट टू फाइव एंड डी इक्वल है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, यानी ए इक्वल आपको माइनस वन पॉइंट टू फाइव और डी इक्वल है आपको दिया माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव। फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करने हैं, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड ए पी आर। देखिए फर्स्ट टर्म ए वन इक्वल ए जो कि आपको दिया हुआ क्या है माइनस वन पॉइंट टू फाइव। सेकेंड टर्म ए टू इक्वल क्या आएगा ए वन प्लस डी, ए वन हमारे पास क्या है
माइनस 1.25 प्लस डी हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस 0.25 माइनस 0.25 ऐड करेंगे, ये माइनस का आएगा यहाँ पे माइनस 0.25 ऐड किया, माइनस माइनस के दोनों टर्म तो ऐड करने पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, अब ऐड साइन तो आ गया, 5 और 5 को ऐड किया 10 का 0 कर लगी 1, 2 और 2 को ऐड किया 4 और 1 करी ऐड कर दें क्या आ जाएगा 5 डेसिमल पॉइंट्स आ गया, 0 और 1 को ऐड किया 0 क्या आ गया माइनस 7.50 सेकेंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म है A3 इक्वल क्या आ जाएगा A2 प्लस डी, A2 हमारे पास क्या है माइनस 1.50 प्लस डी हमारे पास क्या आएगा माइनस 0.25 यहाँ भी ऐड करेंगे, ये भी माइनस का, ये भी दोनों टर्म माइनस के हैं तो ऐड होने पर साइन किसका आएगा माइनस का, 0 और 5 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 5, 2 और 5 को ऐड किया 7 डेसिमल पॉइंट्स आ गया, 1 और 0 को ऐड किया 0, तो थर्ड टर्म हमारे पास A3 क्या आ गया माइनस 1.75। फोर्थ टर्म A4 इक्वल है A3 प्लस डी इक्वल, देखिए A3 हमारे पास आ रहा है माइनस 1.75 प्लस डी हमें क्या दिया है माइनस 0.25 ऐड करेंगे, माइनस माइनस के दोनों तो साइन किसका आएगा ऐड करने पे माइनस का, 5 और 5 को ऐड किया 10 का 0 कर लगी 1 करी क्या लगेगी 1, 2 और 7 का ऐड किया 9 और 1 करी 10 का 0 फिर करी क्या लगा 1, 0 और 1 को ऐड किया तो क्या आया 1 और 1 करी क्या हो जाएगा 2 और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको ये रखना चाहो माइनस 2.00 रख सकते हो, या फिर आप देखिए कि पॉइंट्स के बाद में कंटिन्यू 0 आ रहा है तो उस 0 को हम हटा सकते हैं तो यहाँ पे माइनस 2 भी आ सकता है। तो इस तरह से फोर्थ टर्म हमारे पास जो प्राप्त हो क्या हो गया माइनस 2 आ गया, यानी इसके चार टर्म्स कौन कौन से, A1 इक्वल माइनस 1.25 है, A2 इक्वल माइनस 1.50, A3 इक्वल माइनस 1.75 और A4 इक्वल माइनस 2, ये फोर टर्म्स आ गए इसके। इसलिए द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ APR देखिए क्या आएगा माइनस 1.25 कॉमा माइनस 1.50 माइनस 1.75 और माइनस 2, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था आपको दिया A इक्वल 20 और D इक्वल माइनस 3/4 है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है। तो जो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं उनमें अगर कोई आपके समस्या हो प्रॉब्लम हो ठीक है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स।